please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मेघालय की राजधानी शिलांग में कुछ लोग हाथ में पोस्टर और मोमबत्ती लेकर मार्च निकालने लगे। ये लोग असम में 9 जून को हुई दो लड़कों की हत्या के विरोध में उन्हें श्रद्धांजलि देने सड़क पर उतरे और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर शांति मार्च निकाला। आगे चल रहे लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर ले रखा था जिसमें निलोत्पल दास और अभिजीत नाथ की तस्वीरें लगी थी। 9 जून को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में अज्ञात लोगों ने बच्चा चोरी के शक में दोनों की हत्या कर दी थी। सड़क पर मार्च निकालने के बाद ये लोग एक बड़े से हॉल में जुटे जहां मारे गए दोनों लड़कों को श्रद्धांजलि दी गई। We would like to appeal to the Assam government that they take stringent action against the culprits. असम पुलिस ने इस मामले में 19 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का दावा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का स्वागत उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया। ममता बनर्जी समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एलजी दफ्तर में कई दिनों से धरने पर बैठे केजरीवाल से मिलने का समय नहीं मिला, जिसके विरोध में ममता बनर्जी के अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी एक साथ अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चारों मुख्यमंत्रियों का स्वागत किया। इसके बाद चारों सीएम सरकारी बंगले की बैठक में दाखिल हो गए जहाँ उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बेटे और बेटी से मुलाकात की। इसके बाद एलजी की तरफ से केजरीवाल से मुलाकात की अनुमति नहीं मिलने पर इन नेताओं ने दिल्ली के सीएम के सरकारी बंगले से उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। डेमोक्रेसी में हम एक चीफ मिनिस्टर का साथ मिलने नहीं सकता है, डेमोक्रेसी में हम एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का साथ नहीं मीट कर सकता है, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। अल्टीमेटली आवर डिमांड इज वेरी क्लियर, दे हैव टू सॉर्ट आउट द इशू इमीडिएटली। एलजी दफ्तर में धरने पर बैठे होने की वजह से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के भी निशाने पर हैं, लेकिन फिर भी कर्नाटक सरकार में उसके सहयोगी और मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अलग ही राग लापा। वी डिमांड द प्राइम मिनिस्टर इंटरफेयर इन दिस इशू एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चारों मुख्यमंत्रियों ने एक सुर में नीति आयोग की होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मामले को उठाने का दावा किया और दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में अपनी मांगों के पक्ष में दबाव बनाने के लिए धरने पर बैठे सीएम केजरीवाल का समर्थन भी किया, जिसके बाद दिल्ली की सियासत और गर्मा गई और यही वजह रही कि ममता बनर्जी समेत चारों मुख्यमंत्री भी बीजेपी के निशाने पर आ गए। ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स है, उन चार सूबों के मुख्यमंत्रियों का दिल्ली में कुछ भी नहीं है। इन चार मुख्यमंत्रियों की जो असुरक्षा की भावना है, मोदी जी की जो छवि है, उसे धूमिल करना चाहते हैं केजरीवाल जी के आड़ में। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप भी लगाया। केजरीवाल को समर्थन देने वाले इन चारों मुख्यमंत्रियों ने आज होने वाली नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली का मुद्दा उठाने का वादा किया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आईएएस अफसरों की हड़ताल तोड़वाने की अपील की थी और इसी सिलसिले में केंद्र पर दबाव बनाने के लिए आज शाम आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की चेतावनी दी है। अरविंद केजरीवाल कंसर्न के छठे दिन उसे देश के चार मुख्यमंत्रियों ने समर्थन दिया, जिसके तहत पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। हालांकि उनका दिल्ली आना पहले से प्लान था क्योंकि नीति आयोग की यहाँ मीटिंग थी, उसी के तहत ये लोग केजरीवाल से आज शाम को मिलना चाह रहे थे, लेकिन एलजी हाउस से परमिशन नहीं मिलने के कारण ये लोग केजरीवाल से नहीं मिल पाए। उसके बाद इन्होंने दोबारा पत्र लिखा चारों मुख्यमंत्री ने मिलकर कि उन्हें एलजी से ही मिलना है, लेकिन एलजी हाउस ये रिस्पांस दिया गया कि एलजी अपने घर पे नहीं है। इसके बाद ये तमाम लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, उनके परिवार को सांत्वना दिया और यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जो केंद्र सरकार दिल्ली को नहीं चला सकती वो भला पूरे देश को कैसे चला सकती है। इस पूरे अनशन की राजनीति के पीछे कहीं ना कहीं 2019 की जो इलेक्शन है उसकी भी राजनीति का एक बैकग्राउंड तैयार किया गया, इनका समर्थन मांगा गया, समर्थन दिया गया ताकि 2019 में एक महागठबंधन बनाया जा सके। क्या बातचीत हुई, क्या मीटिंग हुई? देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी के बिहाफ पर, दिल्ली की जनता के बिहाफ पर मैं चारों मुख्यमंत्रियों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और कर्नाटका के मुख्यमंत्री, आज उन चारों ने दिल्ली के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए के प्रति अपना समर्थन बताया है और कहीं ना कहीं आज उन्होंने देश पे जिस प्रकार से संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है
उस पर बहुत बड़ा एक मुहिम छेड़ी है, उसको बचाने के लिए मुहिम छेड़ी है और सीधा निशाना कराया प्रधानमंत्री कार्यालय पर और कहा है कि देश के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसमें जो संघीय ढांचे की परिकल्पना है, यदि आप उसको तहस नहस करने का प्रयास करेंगे तो सारे चीफ मिनिस्टर्स इकट्ठा होकर इस पे अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि वे नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे और उन्होंने ये कहेंगे कि इस प्रकार से आप किसी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को इस प्रकार से नाश नहीं कर सकते, उसका इस मैंडेट का नाश नहीं कर सकते, आपको सरकार को चलने देना होगा। विक्रांत हमारे से भी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अगर हम इस तस्वीर को देखें जहां पर चारों मुख्यमंत्री मुलाकात करने पहुंचे और अगर इसको थोड़ा दूरदर्शी तरीके से देखा जाए तो 2019 का कहीं ना कहीं संकेत है ये। देखिए बिल्कुल नवजोत, आपने ठीक बात कही, जो एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात लगातार चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी करते रहे हैं और ये दोनों वकालत इस बात की करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो एक बड़ा फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल गठबंधन सामने खड़ा करें। और आप देखिए इस तस्वीर में जो सामने हमें तस्वीर दिखाई दे रही है, ये कोई मामूली तस्वीर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पिन्यारी विजयन जो केरल के लेफ्ट के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और ममता बनर्जी दोनों एकदम धुर विरोधी राजनीति में है, लेकिन एक मंच पर बैठना, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, एक मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जिनके पास पूर्ण अधिकार भी नहीं है, तो एक कहीं ना कहीं ये 2019 की एक तस्वीर दिखाई देती है कि किस तरीके से जो क्षेत्रीय छत्रप है वो अपने अपने इलाके से बाहर निकल करके गठबंधन करके और दूसरे क्षेत्रीय दल को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीर जितना बीजेपी को परेशान करती है उतना ही कांग्रेस के लिए भी चिंता की बात है। नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। अरनिया और राजौरी में पाकिस्तान की गोलीबारी का भारत ने करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के अरनिया और राजौरी में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की जिसका सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। धूल भरी हवाओं के बीच चंडीगढ़ में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब होने के बाद फंसे ट्रैकिंग करने गए 10 से ज्यादा लोगों के एक दल को आईटीबीपी के जवानों ने बचा लिया। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग की वजह से सुरक्षा बल ने इस बार ईद के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई नहीं दी। मध्य प्रदेश के मुरैना में शादी समारोह में हुई हवाई फायरिंग में एक आदमी की मौत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने पूर्ण राज्य की मांग को लेकर धरने पर बैठे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान आरोपी परशुराम वाघमोरे ने हत्या की बात कबूल की। उन्नाव रेप केस मामले में माखी थाने में दरोगा केपी सिंह के कमरे से एक तमंचा मिलने के बाद सीबीआई ने केस दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि वही तमंचा है जिसे रखने के आरोप में पीड़िता के पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। खबर है कि खुदकुशी करने वाले भयूजी महाराज 2 साल से तनाव में थे और पुणे के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। में सैकड़ों की संख्या में लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस भीड़ में शामिल एक परिवार का लड़का गर्मी की वजह से गंगा नदी में अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाते वक्त डूब गया, जिसके बाद राहत और बचाव में देरी का आरोप लगाते हुए वहां रहने वाले लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन की वजह से रास्ता भी जाम हो गया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भीड़ को समझाने की काफी कोशिश की। हालांकि इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिस पर एक पुलिस वाले ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। लोगों के प्रदर्शन के दौरान नदी की तेज धार में बहने वाले लड़के का परिवार भी रोता बिलखता दिखा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा। प्रशासन, हम लोग खबर कर चुके हैं, प्रशासन कहता है कि कोई गोताखोर नहीं आएगा। लोगों ने पुलिस पर हादसे की जानकारी होने के बावजूद लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। राजस्थान की खेल परिषद और क्रिकेट संघ के बीच बकाए को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि परिषद ने राजस्थान क्रिकेट संघ के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। परिषद ने आरसीए से किसी नए एमओयू से पहले बकाए 29 करोड़ रुपए चुकाने की मांग की, लेकिन तालाबंदी के बावजूद आरसीए के पदाधिकारियों में गुटबाजी और खींचतान जारी है। आरसीए के पास न तो अपना मैदान है और न ही अपना दफ्तर है। सरकार के स्टेडियम में अपना दफ्तर चलाने के लिए आरसीए को एक समझौते की जरूरत है, लेकिन खेल परिषद ने बिना बकाया चुकाए एमओयू पर दस्तखत करने से इनकार किया। इसमें लास्ट 19 को जो मैच था तब तक कोर्ट ने हमें निर्देश दिए थे कि हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कही है हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव है। हम चाह रहे हैं कि जो भी जिसके साथ भी हम एमओयू करें वो प्रॉफिट शेयरिंग पे करें।
कि उसकी आमदनी भी हमें मिले और वो आमदनी हम स्टेडियम के अंदर हमारी आमदनी भी डाइवर्ट करें और जो भी पार्टी आती है वो भी उसको स्टेडियम के अंदर लगाए। जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, हालांकि ये मामला अभी का नहीं है, मामला काफी पुराना है, आईपीएल से पहले का मामला चलता आ रहा है विवाद, ये तो आरसीए इस पर क्या रुख अख्तियार किए हुए हैं अभी तक? देखिए, आरसीए में एक तो गुटबाजी है, जो ललित मोदी पूर्व चेयरमैन है उनका अगर गुट अलग है, सीपी जोशी वर्तमान चेयरमैन है आरसीए के, तो ये कोशिश की जा रही है कि आरसीए ये चाहता है, दोनों गुट ये चाह रहे हैं कि उनको अभी अभी का जो बकाया वो जमा करा दें, लेकिन जो सरकार ने जो बकाया, जो परिषद ने बकाया निकाला वो पुराना काफी पेंडिंग है। उनका कहना है कि जब से एग्रीमेंट हुआ उससे पहले और एग्रीमेंट के बाद में भी पैसा उनको मिल नहीं रहा, तो वो पुराना 29 करोड़ चुकाएं, उसके बाद में नया एग्रीमेंट करेंगे। जब तक सरकार एग्रीमेंट नहीं करती है तब तक आरसीए के सामने मुश्किल होगी, क्योंकि ताले लगा दिए गए दफ्तरों के और उन पर कोई उनका अधिकार नहीं है जब तक की एग्रीमेंट नहीं हो जाता। नजर आप बना रखे भवानी। हैदराबाद में एक ट्रेवल एजेंसी के बाहर खड़ी बसों में आग लग गई, जिससे कई बसें जलकर राख हो गई। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आग लगने के पीछे कारण क्या था। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि वहां खड़ी तीन बसें देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ लोग हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे। ये लोग नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहे डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ विरोध करने जुटे थे, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नोएडा स्टेडियम से डीएम के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा के सेक्टर 123 के आसपास रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि डंपिंग ग्राउंड बनने से उनका जीना मुश्किल हो गया। रोज के 200 ट्रक फेंक रहे हैं हमारे घर के आ गई है, इतनी बदबू है कि कोई वहाँ पे जी नहीं सकता। इससे पहले डंपिंग ग्राउंड के विरोध में एक रैली निकाली गई, जिसमें दो लोगों को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और बीजेपी विधायक पंकज सिंह का मुखौटा पहनाकर सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान लोगों ने 2019 में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की धमकी भी दी। यूपी के झांसी में प्राइवेट अस्पताल के बाहर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी गई। इस आदमी पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन महिला किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी अस्पताल का ही कर्मचारी है। पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दो विमान हादसे का शिकार होने से बच गए। पहले स्पाइस जेट के विमान की लैंडिंग के समय एक पक्षी टकरा गया, जबकि कुछ ही देर बाद इंडिगो के विमान की लैंडिंग के समय भी पक्षी टकरा गया। दोनों ही घटनाओं में दोनों विमानों के विंग्स को नुकसान पहुंचा, लेकिन दोनों ही बार विमानों के पायलटों की सूझबूझ से सुरक्षित लैंडिंग हो गई और बड़ा हादसा होते होते टल गया।